हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग को बता दें कि हमारी 1.5 महीने पहले ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है और ये हमारा बेबी है। हम अपने इस बेबी को जब कंसीव किए थे तो हमारे सिम्टम्स क्या थे, आज हम उसको जो है कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये सिम्टम्स जो दोस्तों हम अपना पर्सनली जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करेंगे आप लोग के साथ। और हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट सिम्टम्स है बेबी मूवमेंट के बारे में। तो हमारे जब इस बेबी को हमने कंसीव किया था तो हमारा ये बेबी 6 मंथ जो है कि स्टार्ट होते ही, 5 मंथ खत्म होते ही और 6 मंथ स्टार्ट हुआ, तो हमारा ये बेबी जो है कि मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी थी। सेकेंड बताते हैं दोस्तों बेली बटन के बारे में। हमने जब इस बेबी को कंसीव किया था तो हमारा जो बेली बटन है दोस्तों बाहर की तरफ था, और हमने जो है कि इस बेबी के टाइम में पूरा 9 मंथ तक हमारा जो बेली बटन है बाहर ही था, 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक। थर्ड है दोस्तों प्लेसेंटा पोजीशन। तो हमारा प्लेसेंटा जो है कि पोस्टीरियर था इस बेबी के टाइम में। और चलिए अब फोर्थ टॉपिक पे बताते हैं आप लोग को कि FHR। तो हमारे इस बेबी को हमने जब कंसीव किया था तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हमारा FHR आया था 140, और जब हमने सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें 145 आया था। और थर्ड में जो है कि हमारे बेबी का अल्ट्रासाउंड कराने से पहले ही हमारा जो है कि डिलीवरी हो गया था। तो थर्ड हमने जो है कि हॉस्पिटल में ही अपने बेबी का अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें हमारे बेबी का अल्ट्रासाउंड में 150 के समथिंग में हमारे बेबी का हार्ट रेट आया था। नेक्स्ट टॉपिक है स्लीपिंग पोजीशन। तो हम बता दें कि जब हमने इस बेबी को कंसीव किया था तो हमने जो है कि ज़्यादा जब पेट हमारा हल्का था तो हम राइट लेफ्ट किसी भी साइड से हो जाते थे, लेकिन जैसे ही हमारा 5 मंथ 6 मंथ स्टार्ट होते ही थोड़ा जो है कि पेट बड़ा हो जाता है बेबी का, उसमें जो है कि गर्भ में हर एक चीज़ बन रहा होता है, तो हमारा जो पेट है उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो उस समय जो है कि मैं हमेशा लेफ्ट साइड ही सोना पसंद करती थी। जब भी मैं उठती थी तो देखती थी कि मैं लेफ्ट ही साइड सोई हूँ। 9 मंथ तक मैंने जो है कि लेफ्ट साइड ही सोई थी। और नेक्स्ट टॉपिक है नाइग्रा लाइन। नाइग्रा लाइन दोस्तों उसे बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में हमारे पेट के और नाभि के बीचों बीच में जो एक लाइन बन जाता है उसे नाइग्रा लाइन बोलते हैं। तो वो लाइन जो है कि हमें नाभि के नीचे से होते हुए नाभि के ऊपर तक हमें सीधा गया था हमारे इस बेबी के टाइम में। तो नेक्स्ट है फूड क्रेविंग। 1 से 3 मंथ तक हमें जो है कि खट्टा खाने का क्रेविंग था, और जैसे ही हमारा 3 मंथ हमारा खत्म हो गया, 4th स्टार्ट हुआ, तो हमें जो है कि मीठा खाने का क्रेविंग हो गया। हम 9 मंथ तक जो है कि इस बेबी को कंसीव किए थे तो मीठा ही खाना पसंद करते थे, ज्यादातर हम मीठा ही खाते थे। तो नेक्स्ट है स्किन इफेक्ट। तो हम बता दें कि हम जब इस बेबी को कंसीव किए थे तो हमारा जो स्किन है बहुत ही ज्यादा ग्लो करता था, बहुत ही ज्यादा लाइट रहता था हमारे स्किन पे, और बिल्कुल जो है कि डार्क डलनेस जैसा कोई भी ऐसा हमारे फेस पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था। हमारा 1 से 9 मंथ तक हमारा फेस जो है कि ग्लो करता था, और हमेशा मतलब 9 मंथ तक हमारा ग्लो किया है। नेक्स्ट है हेयर ग्रोथ। हमारा बाल जो है थोड़ा बहुत बढ़ा भी था और झड़ता भी नहीं था, और क्या बोलते हैं कि हमारा बाल जो है बिल्कुल सिल्की भी रहता था। तो दोस्तों, क्या आप लोग का भी ऐसा सिम्टम्स है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है यूरिन का कलर। तो हम बता दें कि जब हमने इस बेबी को कंसीव किया था तो हमारा जो यूरिन का कलर था डार्क येलो था, और 9 मंथ तक जो है कि हम कितना भी पानी पीते थे हमें ऐसा फील होता था कि शायद पानी के कमी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कितना भी पानी पीते थे तो हमारे यूरिन का जो कलर था डार्क येलो ही 9 मंथ तक था, और ऐसा जो है कि बिल्कुल भी नहीं होता है। आप पानी पीजिए या मत पीजिए, जो हार्मोन्स है उस पर जो है कि डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो बिल्कुल भी मतलब दोस्तों सबका बॉडी अलग होता है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो मेरा सिम्टम्स है वही आप लोग का भी सिम्टम्स हो सकता है। मैंने जो है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर किया, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैच कर रहा होगा। तो दोस्तों, फिर भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि मुझे बेबी गर्ल हुई है तो आप लोग को भी बेबी गर्ल होगी, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, सबका सिम्टम्स अलग होता है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेट का जो साइज है। तो बता दें कि पेट का साइज हमारा उठा हुआ रहता था और बड़ा साइज था हमारे पेट का। हमारा बेबी जो है 3 kg का हुआ था, तो हमारा पेट जो है बड़ा साइज में था, और हमें जो है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी का एक्सरसाइज
का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा दोस्तों, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। हमने कौन सा एक्सरसाइज किया था या क्या किए थे कि हमारा जो है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो हम अगले नेक्स्ट अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये जो है कि पूरा सिम्टम्स जो हमने बताया सबके साथ ऐसा होता है। वर्ल्ड वाइड्स भी हमें कहती थी कि बेबी बॉय होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें बेबी गर्ल हुई है और हम बेबी गर्ल से जो है कि बहुत ज़्यादा खुश है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका बेबी क्या हुआ है, और कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी न्यू मॉम हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारे इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आप लोग को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।